हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, अभी शाम के 5 बज चुके हैं, बट हम लोग उठे हैं एक घंटे पहले ही। मैं तो नहा ली हूँ, भैया जस्ट अभी नहाने गए हैं, और हमने जो खाना है लंच वो ऑर्डर कर दिया। लंच शाम का हमारा लंच होगा आज। हमने मंगवाया रोस्टेड पनीर और एक हमने पाव भाजी मंगाई है, उसमें 2 एक्स्ट्रा पाव, तो बस वो खा के निकलेंगे शनि महाराज जी के मंदिर। वहाँ पे व्लॉग शायद अलाउड है कि नहीं वो देखते हैं। तैयार हो जाऊं मैं, थोड़ी वीडियोस भी बनानी है। मैंने कहा चलो आपको व्लॉग बना के दिखा दूं। और सच में सुबह सुबह हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए ना, बहुत मजा आया। सुबह सुबह 5:30 भी इतनी ज्यादा पब्लिक थी ना कि आपको पैर रखने के लिए जगह ना मिले। हमें मंदिर वैसे नहीं होता है कि 2 मिनट माथा टेक लो फिर बोलने लग जाते आगे जाओ आगे जाओ, पीछे भी माथा टेक लें, इतनी पब्लिक थी। मतलब भगवान के घर पे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। बट हमें जहाँ से हमने प्रसाद लिया था ना, तो उन्होंने थोड़ा सा चूना लगा दिया हमें प्रसाद, और वो चीज़ें ज़्यादा महंगी दे दी। तो आप भी अगर आए शिरडी, तो बाहर से प्रसाद लेने से अच्छा आप वहीं पे मंदिर में मिलता है वहीं से ले लें, क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ना ही फूल ना ही कोई वस्त्र होगा वो उनको चढ़ाया जाएगा, कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं होता है अंदर। तो आप भी ना लें, सिर्फ माथा टेक लें, और हो सके तो प्रसाद ले लें, प्रसाद तो वहां से मिल ही जाएगा। हम लोगों ने गलती कर दी, हमें लगा कि हम पहले पहले आए थे, तो उन्होंने मस्त मीठे मीठे बातें करके सब कुछ दे दिया और महंगा दिया थोड़ा। तो बस मैं आप सबको, अगर आप मेरी वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं यही बोलूंगी कि बाहर से कुछ ना लेके जाएं, सिर्फ अंदर माथा टेक लें, और जितनी आपकी इच्छा है उसके हिसाब से माथा टेक दें बस, और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सब देखता है, उनको सब पता ही है कि हमें ओवर करने की जरूरत नहीं है। तो बस अभी मैं इतना भाषण नहीं देती हूँ, और मैं इतनी अच्छी अच्छी जगह घूम रही हूँ मेरी दीदी की वजह से। वो तो बेचारी आ ही नहीं पाती है, वो बच्चों का ध्यान रखती है, तो मैं अगर इतनी जगह अच्छी जगह आती हूँ, सोमनाथ गई मैं, यहाँ आई, और भी कई मंदिर है, तो थैंक्स टू दीदी, मैं बहुत लक्की हूँ, मेरी बहन बहुत अच्छी है। तो बस अभी तैयार हो जाए, ज्यादा व्लॉग लंबा नहीं करते हैं, फिर भी लंबा हो गया होगा। मैं मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। रेडी तो क्या, इयररिंग्स भी रिपीट ही है, सब कुछ रिपीट ही है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट से खा के निकलते हैं। वो रहा हमारा लंच, तो बस मैंने बता दिया लंच में क्या है, अंधेरा भी होने लगा है, शाम तो ढल चुकी है पूरी। तो मिलते हैं आपको मंदिर में, देखते हैं कितना व्लॉग बनता है, कितना नहीं, मेरे को थोड़ा काम है, मैं वो करूँ फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग निकल तो चुके हैं, बट अभी हमें लगेगा 1 घंटा 16 मिनट और टाइम हो चुका है, 7 बज गए हैं। अब देखो हमारे पहुंचते तक मंदिर बंद ना हो जाए, और यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवाने रुके हैं, क्योंकि गाड़ी को तो पेट्रोल चाहिए ही होता है। एक सामने बच्चा है क्यूट सा, इसको ठंडी लग रही है तो सो रहा है। तो मिलती हूँ आपको मंदिर में जाके ही। तो वैसे तो हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे, बट यहाँ से हमें हाथ वगैरह धो के फिर जाएंगे हम मंदिर पे शनि महाराज जी के। वहाँ पे फोन अलाउड है, तो मैं आपको व्लॉग जरूर बना के दिखाऊंगी जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ। अभी यहाँ पे हाथ धो लेते हैं हम लोग, तो पहले भैया हाथ धोएंगे। माथा टेक आए हैं, और सच में शनि महाराज जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मैंने अंदर व्लॉग नहीं बनाया, पहले मैंने सोचा मैं बनाऊंगी, बट नहीं, माथा टेका फिर फटाफट से निकले। तो जैसे उन्होंने हमें बाहर समझा के भेजा था वैसे ही मैंने किया, मैंने व्लॉग उठाया नहीं, फोन उठाया नहीं। अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेने उठे हैं, रुके हैं, और हम पियेंगे अभी नारियल पानी, गन्ने का जूस पीने का भैया का इरादा था चेंज हो गया। भैया बोले इतना मीठा तो मुझसे नहीं पिया जाएगा, मैं तो पीती नहीं हूँ, तो नारियल पानी पी के निकलते हैं। अब ये सेम पीटर जैसा है, ये रहा हमारा नारियल पानी, अभी नारियल पानी पीते हैं, एकदम मस्त है, ठंडा ठंडा। हाँ बाबू देखना पीछे गाड़ी आ रही है, पूरा गला खिंचवा लिया अपना। हाँ 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 बिट्टू, बाय। तो भी एक प्यारा सा लेब्रा मिला, बहुत ही ज्यादा प्यारा था, होप नाम था उसका, इतना क्यूट था ना, एकदम पीटू जैसा था, पर ये इतना उछल रहा था। पीटू हमारा तो उछलता है, पीटू तो बहुत भोला है, भोला नहीं वो, अभी 3 साल का हो गया ना, तो थोड़ा शांत है। और बीच में स्टॉप लिया है, भैया थोड़ा काम करने गए, बॉटल वगैरह लेने गए, निकलते हैं होटल पहुंच के, डिनर ऑर्डर करते हैं, खा के सोए, फिर अपने बच्चों के पास वापस, कल 10-11 घंटे की ट्रैवल करेंगे, फिर पहुंच गए हमारे बच्चों के पास। इस बार मैं इतना व्लॉग बना ही नहीं पाई, क्योंकि देखो शिरडी में व्लॉग अलाउड ही नहीं है, फोन आपका ले लेते हैं, तो वहां पे तो मैं नहीं बना सकती। और मेरा खुद का ये मानना है कि किसी ऐसे जगह मंदिर वगैरह जाओ ना, तो व्लॉग ना ही बनाओ तो अच्छा है, कुछ लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि तब हमें होता है कि हम उस चीज की
वाइब लें, उस चीज को पूरा अपने अंदर समा लें कि जहाँ इतनी पवित्र जगह हम आए हैं, बहुत मान्यता है शिरडी। मैं तो लक्की हूँ, मैं आ चुकी हूँ एक बार, फिर देखो साईं बाबा जी ने जब बुलाया फिर आएंगे, बट तब नहीं बनाना चाहिए व्लॉग। और यहाँ पे शनि महाराज जी के मंदिर व्लॉग अलाउड था, बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि कुछ होता है ना, मैं अभी आपको जैसे कि बोला तो आप समझ जाओगे मुझे लगता है। बस अभी आपको मिलती हूँ होटल के बाद, मैं तो इस बार थंबनेल भी नहीं ले पाई, बोलो इतना हो गया है। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, मेरा रेस्टोरेंट है, तो बस अभी हम लोग कुछ खाएंगे फिर होटल में जाएंगे, क्योंकि हमारा सोने का टाइम थोड़ा अलग है ना, तो इसलिए हमने 12 बजे डिनर कर लिया ना तो हमें फिर से भूख लग जाएगी, तो इसलिए हम लोग डिनर थोड़े देर बाद में करेंगे, यहाँ से कुछ खा के जाते हैं। और ये सामने देखो कितना प्यारा रॉटवाइलर है, ये ब्लैक कलर का, बट ये बोल रहे हैं वो एग्रेसिव है तो मैं उसके पास जाऊंगी नहीं, वो काट लेगा, और बेफालतू में बेचारे को डिस्टर्ब भी क्यों करूं, बैठा रहने दो। है बहुत प्यारा गुगलू मुगलू सा है ये, अरे उतना ही डेंजर है, कैसे देख रहा है, मुझसे इसको देख के डर लग रहा है। नहीं बेटा नहीं, मैं तेरे को छेड़ूंगी नहीं, तू मेरे को छेड़ना। तो ये बिल्ली अभी आ गई और ये मांग रही है हमारे से रोटी, तो मैं इसको थोड़ा सा दे रही हूँ, इसको अच्छा लग रहा है, ये हमारी नोटी तंदूरी रोटी खानी है इसको, ले ले। आजकल जानवरों की भी चॉइस बढ़ गई है, इनको क्रिस्पी खाना चाहिए, घर का खाना नहीं। इसको कितना लाड आ रहा है ना बेटा, इतना प्यार मत कर, तो मैं तेरे को ले ही ना जाऊँ साथ में। और सच में जो हमने पनीर टिक्का मंगाया है ना यहाँ का A1, मैंने ऐसा पनीर तो हमारे यहाँ से भी नहीं खाया है जितना टेस्टी यहाँ का है, नेक्स्ट लेवल, इतना टेस्टी, मजा ही आ गया। शिरडी का खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, उसका कलर देखो, टिक्का वैसे ग्रेवी वाला नहीं होता है, सूखा सूखा होता है, बट इन्होंने ग्रेवी लगा के तो आग लगा दी मुझे खाने दो, मुझे बुरा नहीं आया। और जो छुटकी भी मांग रही है, तो हम लोग होटल में तो कब से आ चुके हैं, अभी बारी आई है खाना खाने की, क्योंकि तब का थोड़ा सा खाया था तो वो अभी तक मतलब हाजम नहीं हुआ, अब हो गया है, अब फटाफट खाना खा के सोना है, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि मॉर्निंग में आपको 10:30 तक चेकआउट करना पड़ेगा। तो बस भैया हाथ धोने गए हैं, मैं भी अभी एडिटिंग करके कम्प्लीट की है, व्लॉग अपलोड कर दिया है, कल मॉर्निंग में आ जाएगा 7 बजे, आप लोग जरूर देखना। तो बाकी व्लॉग शिरडी का धीरे धीरे आपके पास आ ही जाएगा, कल का दिन तो नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग गाड़ी में इतना लेट हो गए, आते टाइम हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया, सो इसलिए हाँ। और एक और बात, मैंने तो होटल का टूर ही नहीं दिया, वैसे होटल बहुत छोटा सा है, अभी दे देती हूँ, बस एक इतना सा रूम है, वहां बाथरूम है, बस इतना है, इसमें एसी भी नहीं है क्योंकि ठंड में एसी लगा के क्या फायदा, एसी रूम में तो उसका चार्ज भी अलग लेंगे, बस इतना सा ही रूम है, हमारे हॉल जितना तो रूम है। तो बस अभी डिनर सर्व कर देती हूँ, ये रहा हमारा डिनर, मिलती हूँ आपको खाने के बाद, फिर सो जाना है, बज चुके हैं रात के 3, पता नहीं कब तक सोएंगे, जल्दी उठना है, कल भी नींद नहीं पूरी होने वाली है। खाना वगैरह खा लिया, अब मुझे ब्लॉग एंड करने बाथरूम में आना पड़ा, मैं अभी फिलहाल बाथरूम में हूँ क्योंकि भैया सो चुके हैं, मॉर्निंग में भैया को ही गाड़ी चलानी है, तो हमने नीचे रिसेप्शन पे बात की भैया से कि हमें थोड़ा टाइम बढ़ा दो, हमारा हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दो कि हम नींद पूरी करके निकल सके, आधी नींद से वैसे सफर आधे ही सफर में इंसान थक जाएगा, तो उन्होंने बोला ठीक है आप 2 घंटे एक्स्ट्रा ले लो, आप 12:30-1 बजे तक चेकआउट कर लेना। तो 4:30 हो चुके हैं, मैं जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ आपसे कल, देखते हैं कल बीच में का स्टॉप लेंगे कि नहीं, तो उसके लिए आपको कल का व्लॉग देखना ही पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय।